नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद के भट्टू कला में दो युवकों पर दो बाइक सवारों ने फायरिंग की, जिसे आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई। दो राउंड फायरिंग के बाद आरोपी फरार हो गए। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। पुलिस ने फरार हुए आरोपी की पहचान कर ली है। दोनों ही आरोपियों के खिलाफ हवाई फायरिंग व आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। SHO ने बताया कि बीते दिन मौके पर बाइक सवार दो युवकों ने राउंड फायरिंग की थी। पुरानी रंजिश के चलते एक युवक से पुरानी रंजिश रखे हुए दो युवक बाइक सवार आए थे, जिन्होंने हवाई फायरिंग की। दोनों ही एक बाइक पर सवार थे। पुलिस जब पहुंची तो उससे पहले मौके से वह लोग फरार हो गए, लेकिन फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी है। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। सुनील कुमार का एक लड़का है, भट्टू का रहने वाला, तो अपने साथियों के साथ दवाई लेने के लिए मोटरसाइकिल पर चढ़कर वो सरसा जा रहे थे। गोविंद प्लेस के पास पहुंचे तो वहाँ दो लड़के मोटरसाइकिल से नीचे खड़े थे, जिनमें से एक लड़के उसका नाम मोदी राजेंद्र सिंह जाट और सिकुमारी मालूम हुआ है। उसने सुनील कुमार के ऊपर दो एफआईआर किए और एफआईआर करके वो मोटरसाइकिल समेत मौका से भाग गए, जिनकी तलाश जा रही है। सीकर किस लिए फायर किए गए थे? क्योंकि पुरानी आपस में कोई पहले कौन से महीने पहले कोई झगड़ा था, इसी रंजिश को लेकर आपने उन पर हवाई फायर किया। तो हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया सर? नहीं, हॉस्पिटल हवाई फायर है, उसमें तो चोट तो किसी इंसान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। उसमें उन्होंने खुद आकर थाना में दरखास्त दी है, दरखास्त के मुताबिक उसके कार्रवाई की गई। ठीक है।